हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 6.4। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए, ठीक है। ये सभी का प्लस ग्रेटर है एसी प्लस बीडी के, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एबीसीडी में क्वाड्रिलेटरल दिया गया, यहाँ पर हमें फिगर भी दी गई है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी चार साइड्स होती हैं, ठीक है। उसमें हमने ये स्टेटमेंट दी है, ये हमने देखना है कि इस कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये सही है या नहीं है। तो इसको हम देखते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि अगर सही होगी तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इट इज अ ट्रू, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चार साइड दिए गई हैं, क्वाड्रिलेटरल दिया गया और दो डायगोनल दी गई है एसी और बीडी, ठीक है। ये डायगोनल्स होती है जो बीच सेंटर में से ऑपोजिट जो वर्टिसेस को से कनेक्ट करके बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो, सबसे पहले यहाँ पर जब दो डायगोनल्स बनी तो हमारे पास ये वाले ट्राइंगल, देखो ए बी सी, अगर आप इस पॉइंट को लोगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल ही तो बन गया। तो हम ट्राइंगल की मदद से इस जो स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कौन सा, ए बी सी मतलब ये पूरा पार्ट का ट्राइंगल, ठीक है। इसमें हमने जो ये, क्योंकि हमें देखो एसी और बीडी, एसी और बीडी क्या मिली है हमें साइड पर, तो इसको हम साइड पर ही रखेंगे, ठीक है। इन सभी को हम साइड पर रखेंगे, जैसे हमें जो प्रॉपर्टी की है फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने प्रॉपर्टी यही की थी ना कि दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। तो इस ट्राइंगल में दो साइड कौन सी आ गई, ए बी और बी सी, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो थर्ड साइड ए सी आ जाएगी, तो ए सी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो हम साइड की जो साइड है उसे लेंगे, ए बी सी हम लेंगे ए बी साइड, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में से हम ए बी साइड ले रहे हैं और इसका प्लस कर रहे हैं बी सी से, और किससे ग्रेटर होगी, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होता है, तीसरी साइड कौन सी है, ए सी, तो इससे हमारा ग्रेटर आ गया। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ सेकंड करते हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल अभी ए बी सी ले लिया, अभी फिर बी से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट किया ना पहले, तो बी सी डी, अभी ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी ये वाला ट्राइंगल दे रही है। इस ट्राइंगल में दो साइड, साइड जो बाहर की साइड है उसको लेंगे, ठीक है, बी सी प्लस में सी डी, ठीक है, बी सी प्लस में सी डी ग्रेटर होगी, थर्ड साइड इसकी कौन सी है, डी बी, ठीक है। डी बी ले लो, बी डी ले लो, एक ही बात है, हमें एक क्वेश्चन में बी डी दी गई थी तो हम यहाँ पर बी डी ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने ले ली बी डी, तो ये वाला हमारी सेकेंड इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हम एरो लगाते हैं, आगे हम करते हैं थर्ड, इन अभी बी, पहला सेकंड ट्राइंगल हमने बी से स्टार्ट किया था, अभी हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी ए, ये भी तो एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, सी डी ए। तो सी, यहाँ पर ट्राइंगल का साइन जरूर लेना है, सी डी ए, सी डी ए ट्राइंगल में क्या है, दो साइड कौन सी होगी, सी डी और डी ए, ठीक है। तो सी डी, ठीक है, इस वाली साइड को और इस साइड को कलर प्लस करते हैं तो हमारा किससे ज्यादा आएगा, तीसरी साइड कौन सी है, एसी, एसी से हमेशा ग्रेटर होगा, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इन ट्राइंगल, अभी अगला ट्राइंगल हमने सी से शुरू किया था, नेक्स्ट हम करेंगे डी ए बी, ठीक है, इन ट्राइंगल डी ए बी, डी ए बी ट्राइंगल में क्या, कौन कौन सी साइड बनगी, एक है डी ए प्लस में ए बी, किसके ग्रेटर होगी, उसकी तीसरी साइड से ग्रेटर होगी, जो वाला है बी डी, ठीक है। इसको हम बी डी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें बी डी दे, तो बी डी आ गया, ये हमारी बन गई है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अभी हम इन चारों जो इक्वेशन दी गई इनको प्लस कर देंगे, यहां हम लिख दें बाय एडिंग 1, 2, 3 and 4 को प्लस करते हैं, तो फोर्थ में जो भी ग्रेटर देन ग्रेटर का साइन है उसके बाद जो साइड में, जो राइट साइड में ग्रेटर के राइट साइड में उसको बाद में लिखेंगे, पहले जो लेफ्ट साइड में उसी सबको प्लस का साइन लेकर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट में थी ए बी प्लस बी सी थी, तो यहां पर लिखेंगे ए बी
प्लस में जो छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि हमारी एक इक्वेशन पूरी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। ए बी प्लस में बी सी, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ गया तो इसमें हम ये वाली स्टेटमेंट जो है ये वाला है बाद में लिखेंगे, तो बी सी प्लस सी डी, नेक्स्ट स्टेप बी सी प्लस सी डी, प्लस में थर्ड में सी डी प्लस डी ए, सी डी प्लस डी ए, देन प्लस डी ए प्लस ए बी, डी ए प्लस ए बी, ये हमारी चारों की लेफ्ट साइड वाली हमने उतार लिया सभी कुछ। तो अभी ये ग्रेटर का साइन लगा देंगे क्योंकि हमें ग्रेटर का साइन लगा कर हमने सारा सॉल्व किया है, तो यहाँ पर बाद में हम ग्रेटर देन का साइन लगा के ये वाली सारी उतार लेंगे, ठीक है। ए सी क्योंकि ऐड करना है तो प्लस का साइन, प्लस बी डी, प्लस में फिर ए सी एंड प्लस में फिर बी डी, ये सभी हमने सारा उतार लिया है। तो हम ये वाली पहले जो लेफ्ट साइड में उसको प्लस करके देते हैं। देखो ए बी, ए बी हमें यहाँ पर दो बार मिली है, ये वाला ए बी और ये वाला ए बी, तो हम इसको टू ए बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे टू ए बी, टू ए बी प्लस में अभी बी सी भी हमें, देखो यहाँ पर भी बी सी एक बार वन टाइम है, टू टाइम हमें बी सी मिली है तो टू बी सी, इसी तरह सी डी भी हमें दो बार मिली है तो टू सी डी, इसी तरह डी ए भी हमारे पास दो बार है तो टू डी ए, इसी तरह लिखा है। इसके बाद हमने ग्रेटर देन का साइन लगा देना है, यहाँ पर हमारे पास ए सी दो बार है तो टू ए सी, यहाँ पर बी डी भी दो बार है तो प्लस का साइन टू बी डी दो, ठीक है। अभी देखो इन सभी में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन को हम बाहर निकालेंगे, टू सभी में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम टू बाहर निकाल लेंगे और बाकी सारी जो भी बचती है उसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ए, ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया। ग्रेटर देन का साइन एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास टू कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब तो दो जो सभी में सेम हो, ठीक है, तो टू को हम बाहर कर लेंगे और इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, ए सी प्लस में बी डी, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर टू और ये वाला टू, ये वाले दोनों टू आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू बचती है वो बचती है ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ए, ग्रेटर देन का साइन ए सी प्लस में बी डी, ये हमारे पास लास्ट में स्टेटमेंट बचती है। तो हमारे पास लास्ट में जो स्टेटमेंट बचती है वो, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में हमें पूछा यही गया था इज ए बी, तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ए ग्रेटर है ए डी ए सी प्लस में बी डी, इट मीन्स जो सभी जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी ये क्या है, स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट, तो लास्ट में हमने ऐसे मेंशन कर देना है कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि जैसे ही हमें स्टेटमेंट दी गई थी तो वैसे ही हमारा पूरा आंसर आ चुका है कि बिकॉज वो सही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल दिया गया एबीसी, इसमें हमें ए डी ये वाला क्या दिया गया, मीडियन। मीडियन क्या होता है कि जो भी जो यहाँ ए वर्टेक्स से एक लाइन जो ज्वाइन होती है ए डी, वो बी सी को मिड पॉइंट में, मतलब बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये ए डी क्या है, ये इस बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिखे इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर ग्रेटर है ए टू ए डी सी, तो इसको जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया एज इट इज हमने उसको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस मीडियन के ड्रॉ होने के कारण हमें दो एंगल दो ट्राइंगल मिल गए ए बी डी और ए सी डी, ठीक है। तो उसी तरह हम करेंगे जैसे पीछे गया था इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी, ठीक है, इस वाली साइड को हम साइड में रख देंगे, ठीक है। ए बी डी इस और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, दो एंगल दो साइड के सम के से बड़ी, दो साइड का सम क्या होता है, बड़ा होता है तीसरी साइड से। तो यहां पर हमारे पास एक साइड आ गई ए बी, ए बी प्लस में बी डी, ठीक है, ए बी प्लस में बी डी किससे बड़ी होगी, जो साइड है थर्ड साइड ए डी से बड़ी होगी, ये हमारी बन गई है थर्ड फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन, यहां पर हम उतारते हैं ट्राइंगल आ गया ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में दो साइड हमें दी है, ठीक है। हमें देखो क्वेश्चन में सी ए बोला है तो हम इसको सी ए लिखेंगे, ठीक है,
क्योंकि जैसे हमने वैसे तो हमने एसी लिखना था, एसी प्लस में डीसी, ठीक है ना। तो इसी तरह हम इसको इसी तरह उतारेंगे, तो सी ए एक साइड हमारी होगी सी ए और दूसरी साइड होगी डी सी, ठीक है। डीसी या सी डी आप कोई भी लिख सकते हो। तो ग्रेटर होगी थर्ड साइड, इस ट्रायंगल्स में थर्ड साइड कौन सी होगी, एडी, ठीक है, एडी। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अभी इन दोनों को प्लस करने पर हमें मिलेगा बाय एडिंग फर्स्ट और सेकेंड को प्लस करते हैं तो लेफ्ट साइड वाले पहले उतार लेते हैं रकमें। तो यहां पर हमारे पास है ए बी प्लस में बी डी, ठीक है, प्लस सी ए प्लस में डी सी, ग्रेटर देन का साइन एज इट इज, और ए डी प्लस में ए डी। यहां पर तो यहां पर हमने उतार लिया इस सारी स्टेटमेंट को प्लस करके। अभी आप देखो ए बी, ए बी तो हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। यहां पर आपको यहां पर देखो बी डी और डी सी, ठीक है, बी डी और डी सी, या दोनों को अगर हम प्लस करते तो कितना आता हमारे पास बीसी, क्योंकि हमें रकम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसमें बीसी चाहिए, हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, बीसी। तो यहां पर इन दोनों को प्लस क्या होगा, बीसी। तो इसलिए हमने बी डी ये वाली वैल्यू और डी सी ये वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे। यहां पर हम लिखेंगे ए बी, पहले हम वैसे ही उतार लेंगे, प्लस यहां पर लिखेंगे बी डी प्लस में डी सी प्लस में सी ए एज इट इज ए डी, ए डी और ए डी, ये दो ए डी हो गए, तो यहां पर टू ए डी उतार देंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख देंगे ए बी प्लस में बी डी और बी डी और डी सी को अगर ये दोनों को आपस में मिला दें तो ये कितना बन जाएगा, बी से लेकर सी, तो बी सी प्लस में सी ए ग्रेटर है टू ए डी सी, ठीक है। तो ये जो हमें गिवन स्टेटमेंट क्या थी, देखो आप क्वेश्चन में देखो, तो क्वेश्चन में भी हमें यही दिया गया था, ए बी बी सी प्लस में सी ए ग्रेटर है टू ए डी सी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी वो क्या है, ट्रू है। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। लास्ट में हमने ऐसे मेंशन कर देना कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि क्या ये स्टेटमेंट ऐसे है, तो हमने बता दिया कि ये ट्रू है, ऐसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। इसमें क्या कहा गया कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, कौन से दो ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम थर्ड साइड का पता लगा सकते हैं, ठीक है। मान लो ये वाला ट्रायंगल दिया गया हमें, उसकी एक साइड है 4 सेंटीमीटर और एक साइड है 6 सेंटीमीटर, ये हमने पता करनी है। तो कितनी हो सकती है इसका, देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो एंगल्स का जो सम होता है, दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है, यही कहा है ना, इन दोनों दोनों साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होगा, मोर देन होगा, ग्रेटर होगा। इसी तरह ये तो सम की प्रॉपर्टी होगी, अगर इसका माइनस कर दिया जाए, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स क्या होगी, हमेशा इससे यहां पर ग्रेटर होगा, यहां से इससे फिर लेस देन होगा, ठीक है। जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किया, जैसे ये देखो, जैसे मैंने पीछे आपको पहले वो क्वेश्चन में ये समझाया भी था कि कैसे है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये करेंगे। पहली प्रॉपर्टी थी द सम ऑफ लेंथ, मतलब टू लेंथ का जो सम था वो तीसरी में ग्रेटर होगा, जैसे 3 और 6, ये दो लेंथ थी 3 और 6, इसको प्लस किया तो हमारे पास 9 आ गया, जो तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है। मगर इसका जो भी डिफरेंस होता है, अगर हम 6 में से 3 माइनस किए, ठीक है, 6 में 3 माइनस के 3, तो हमेशा तीसरी साइड 7 थी, तो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है, लेस देन होता है, ठीक है। प्लस में हमेशा ग्रेटर होता है, ठीक है, दो साइड का प्लस, दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से लेस देन होता है, ठीक है। इसी तरह 7 और 6 ले लो, अपर साइड 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया, तो तीसरी साइड हमारी 3 थी, 3 से हमेशा छोटा है। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो हमने इसमें, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, तो हमें क्या कहा गया है कि दो मेजर किससे मेजर से पता करेंगे, तो एक तो सम की, तो 6 प्लस 4, दो साइड का सम कितना हो गया 10, इट मींस 10 से क्या होना चाहिए, ये तीसरी साइड, जो भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि तीसरी साइड इससे छोटी होनी चाहिए, तो तीसरी साइड 10 हो ही नहीं सकती, तो क्या होगी, लेस देन 10, जो थर्ड साइड होगी हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी, ठीक है, लेस देन होगी 10 से, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस
सिक्स माइनस, दूसरी साइड से माइनस कर देते हैं, सिक्स में से फोर माइनस किया तो टू, तो टू क्या होगी हमेशा लेस देन होती है, तो इसमें हम आएगा मोर देन टू, तो थर्ड साइड क्या होगी, ठीक है, तो हमारी थर्ड साइड क्या होगी बिटवीन टू टू टेन, दो से लेकर टेन के बिचकार होगी, ठीक है, मान लो कि दो नहीं, इसमें टू नहीं होगी, टू और टेन के बिचकार होगी, टेन भी नहीं होगी टू भी नहीं होगी, ठीक है, टू और टेन को छोड़कर, जैसे टू और के बिचकार कौन से है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहां तक आएगी, ठीक है, ये टू और टू भी नहीं होगा, टेन भी नहीं होगा, ये वाली साइड्स हो सकती है, इनमें से कोई भी ट्राइंगल की साइड हो सकती है, ठीक है, तो टू और टेन नहीं होगा, उसके बीचकार होगा, यहाँ पर ये मत समझे कि टेन भी होगा, ठीक है, या टू भी होगा, टू से ज्यादा हो सकता है, टू से ज्यादा आगे 2.5, 2.6, 2.7 ये हो सकता है, मगर टू नहीं हो सकता, ठीक है, तो थर्ड साइड किन के बीचकार होगी, टू से लेकर टेन के बीचकार होगी, यानी कि थ्री से लेकर नाइन तक हो सकती है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है, साथ में आपकी क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 6.4 जो आपकी सिक्स चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।